क्योंकि दम मदार बेवापार। किसी जादू ना किसी मंत्र से आए हैं। हाँ। एक दरिया है, समंदर से नहीं आए हैं। हमको परदेशी समझने की भूल ना करना, इसी मिट्टी के हैं, बाहर से नहीं आए। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए अगर बुराई तो इंसान बुरा है। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन धर्म का चश्मा उतार के देखो पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। जसवा जवाहर के भाई बात हमारे ध्यान से सुनेंगे, हम छोटा लालू हैं और सबसे यही बात कहेंगे कि बाबा के दरबार में जो भी आए हैं अपने अकीदत से आए हैं, चादर चढ़ाने के लिए आए हैं, फातिहा दरूद पढ़ने के लिए आए हैं। हम छोटा लालू हैं, बड़का लालू पटना में है और वो भी सर के बल यहाँ आएंगे तभी उनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बे बाबा के कोई नहीं काम हुई, क्योंकि दम मदार बेवापा। हेलो नमस्कार सर। ये नमस्कार, केडीएल न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजहर साबरी हुआ। जी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये नवादा। नवादा। बात ये है कि जितने भी फनकार हैं हिंदुस्तान में, जी जी, सरजमीन हिंदुस्तान में, जी जी, वो इस मिट्टी का असर है। जी, ये हिंदुस्तान की मिट्टी का असर है। जो भी फनकार है, चाहे हिंदू भाई फनकार हो या मुस्लिम, हमारे पिंकू भाई है, पिंटू भाई, जी जी जी, ये बाबा के दरबार में हर साल आते, ये भी फनकार है, कव्वाली गाते हैं और हम लोग के बीच बहुत सारे फनकार यहाँ दमदार बेड़ा पर मोतीउर रहमान बाबा के दरबार में इस जंगल में टिको डी जवाल जंगल जसवा जवार में आए हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो हिंदू और मुस्लिम का जो एकता है, भाईचारा है, जी जी जी, ये पूरे हिंदुस्तान में इसका लाइव चलता है, पूरे हिंदुस्तान में ही वायरल हो चुका है कि ये ऐसा जंगल है, ये जसवा जवार का ऐसा जंगल है कि मोतीउर रहमान बाबा यहाँ प्यार के फूल खिलाए हैं, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए अगर बुराई तो वो इंसान बुरा है। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन धर्म का चश्मा उतार के देखो पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। बहुत बहुत बड़ी बात बोले है, लेकिन चलिए इस पर एक थोड़ा कवाली हो जाता हूँ। कवाली यही है, चार मिसरे में नजर कर रहा हूँ। जी जी जी, सारे जितने भी कवाली के शौकीन है, जी जी, चाहने वाले सरकार के, वो चार मिसरे कह रहा हूँ कि साइलो खाक तुम्हें देंगे जमाने वाले, साइलो खाक तुम्हें देंगे जमाने वाले, और मांगो सरकार से वही तो है नवाजने वाले, काश ये भेद समझ जाए जमाने वाले, सब मोहम्मद है मोहम्मद के घर आने वाले, क्योंकि एक ही सूरत की दो ही मूर्तियां, अजब ये खेल निराला है, और कहीं बने हैं गौस कुतु तो कहीं के मुरली वाला है। बहुत बहुत दम है। चलिए, और अभी जो यहाँ लगे लगभग लगभग यहाँ पे लाखों में आ चुके हैं अगल बगल से, लेकिन कितने दूर दूर से यहाँ आते हैं? इतना दूर मत पूछिए, यहाँ जो जिसको सरकार बुला देते हैं वो पैर के बल नहीं सर के बल चले आते हैं। जी जी जी, जिन्हें कलकत्ता से, हाँ, दिल्ली से, मुंबई से, हमारे देखिए ये शाहिद भाई है, कैमरा जिन्हें घुमाए, ये महफिल को सरकार की मोहब्बत से ऐसी सजाए हैं, सरकार के इनके ऊपर करम हुआ मोतीउर रहमान बाबा का, तभी तो ये सरकार के महफिल को सजाए हैं, क्योंकि सरकार मोतीउर रहमान बाबा के ये सच्चे आशिक है और आशिक तो सभी यहाँ है। जी जी जी। हमारे जख्मी साहब हिंदुस्तान के मशहूर कलाकार, वो अपने मिसरे में पढ़े भी हैं, गाए भी हैं कि वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम आशिक का रंग निराला है। जी जी जी, बिल्कुल, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम आशिक का रंग निराला, इसी तरह से इस दरबार में आशिक का रंग निराला है। हम लोग सभी भाई मोहब्बत से इस दरबार में आते हैं और कव्वाली का प्रोग्राम कराते हैं और सुनते भी हैं और लंगर भी खाते हैं और भाईचारा से उर्स को मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शाहिद मदारी। आप कहाँ से हैं? हम तो रहने वाले नवादा जिला का है, लेकिन मैं कलकत्ता में रहता हूँ। कोलकाता में रहते हैं? कोलकाता में यहाँ आए इनके, अभी जैसे बोल रहे थे कि सब यहाँ मोहम्मद का है और सब यहाँ आते हैं, बाबा जब बुलाते हैं तो कहीं से भी आ जाते हैं, तो क्या ये आपको लग रहा है? सही बात है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किन्हीं के इन्विटेशन से नहीं आए? नहीं नहीं, किसी के इन्विटेशन से क्यों आएंगे हम, बाबा का मोहब्बत में आते हैं, बाबा का दीवाना में हूँ, बाबा का चाहने वाला हूँ। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं 2013 से हूँ। 2013 से? जी। हर साल आते हैं? हर साल। तो आप यहाँ कव्वाली भी करते हैं? साल में दो तीन मतलब बीच में भी आ जाते हैं। दो तीन बार बीच में आ जाते हैं, जब जब बुलावा होता है तब चले आते हैं। चलिए, देखिए इनका कहना है जब भी बुलावा होता है चले आते हैं। हमारे साथ कोई और है इधर, हमारे क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है पिंटू बाबला। पिंटू बाबला जी, आप भी कव्वाली करते हैं? जी, कव्वाली सुनते हैं। आप बाबा के फनकार? हम लोग बैठते हैं, मतलब आप भी बाबा का फनकार है, एक तरह से गीताकार है। तो आप थोड़ा एक कुछ फनकार हमारे दर्शकों को सुना के थोड़ा बताइएगा, जैसे अभी बताए थे। जिंदगी रोग बन जाएगी, आग से खेलना छोड़ दे, जिंदगी रोग बन जाएगी, आग से खेलना छोड़ दे, दूसरे को घर में तू अब ताकना झांकना छोड़ दे।
अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ कितने दूर से चल के आए हैं? हम तो कौवा कुल के, मतलब आप यहाँ के ग्रामीण हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इससे होके, मतलब ये क्या है, आप हिंदू कौम से है, ये मुसलमान कौम से, यहाँ सब भाईचारे से है, क्या है मतलब इसका? भाईचारे से एक समूह में सब बाबा जोड़ दिए, सब एक समूह में जोड़ दिए। बिल्कुल, मतलब ये एक समूह में जोड़ दिए। तो यहाँ जो कितने सालों से यहाँ ये प्रोग्राम हो, 10 साल से हो रहे हैं, 10 साल से हो रहे हैं, और आने वाले हर साल के बाद ही होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल होते रहेंगे, जब तक रहेंगे। क्या बोले? जब तक सूरज चांद, जब तक बाबा कहाँ रहेंगे, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इस धरती पे मनुष्य रहेंगे, तब तक यहाँ दरबार उनकी सजते रहेगी ना। बात सही है ना? बिल्कुल, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की यहाँ एकता की एक बहुत बड़ी पहचान है। और मैं यही दुआ करता हूँ, जी जी, यही दुआ करता हूँ इस दरबार में जी, कि सरकार हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारा सलामत रखे। क्योंकि मेरे मोतीउर रहमान पिया से दिल यहाँ जो लगाते हैं, हाँ। इसी जंगल में रह के वो मजे जन्नत के पाते हैं। और तस्वीर देखना हो एकता, तो जसवा जवार टिकोडी जंगल में देखो, यहाँ हिंदू मुसलमान एक ही थाली में खाते हैं। जी क्या बात बोल दी है, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है कि हिंदू या मुसलमान एक थाली में यहाँ खाते हैं। तो यहाँ देखिए दो है, ये भी एक गीताकार है, ये भी गीताकार है। इनका नाम है, क्या नाम बोले? अजहर साबरी जी है, और आपका नाम क्या है? पिंटू बावला जी। देखिए ये दोनों अलग अलग कौन से आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में नफरत अभी बहुत जोर से वायरस फैला हुआ है। जी जी जी। कुछ पाकिस्तान की बात करते हैं, हाँ। मैं यही कहूँगा, हाँ। कि ना किसी जादू ना किसी मंत्र से आए हैं, हाँ। एक दरिया है, समंदर से नहीं आए हैं। जी जी। हमको परदेशी समझने की भूल ना करना, इसी मिट्टी के हैं, बाहर से नहीं आए हैं।